देख रहे हैं छत से, इतना अजीब लग रहा है मुझे व्लॉगिंग। ये ना मैं बहुत नॉन सीरियस थी इसको लेके, मगर इसका दुपट्टा अच्छा, इसमें और कलर है ट्राई लेते हैं घर वाले अब मेरे से, अब मैं बड़ी हो गई। इस दुकान को देख के लग रहा है मैं बासा वाली दुकान पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 शायद हो रहे हैं। अभी नमाज़ पढ़ी हमने जोहर की, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आंटी देख रहे हैं छत से, इतना अजीब लग रहा है मुझे व्लॉगिंग करना, मज़ा नहीं आ रहा है, चलेंगे। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मेरी जो नेक पेन है, मतलब सीवियर नेक पेन है, मैं बहुत नॉन सीरियस थी इसको लेके, मगर अब बहुत टाइम हो गया है तो ये बढ़ ही रही है दिन ब दिन। अब मुझे लग रहा था कि ये परमानेंट ही ना हो जाए, बुढ़ापे तक मेरी मुंडी टेढ़ी ही हो जाएगी। बात तो सही है। तो अभी पापा आए हुए हैं तो सोच रही हूँ डॉक्टर को चेक करवा लाती हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ, तो अम्मी भी जा रहे हैं कुछ, उन्होंने शायद शॉपिंग करनी है, देखते हैं क्या रहता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो हो गए हम रेडी, पापा चले गए हैं बाहर, मैं और अम्मी अब निकल रहे हैं। बोल रही खाने के लिए कुछ लाना जो 2-3 दिन तक ख़त्म ना हो। बाय सारिश, हमारे दरवाज़ा तोड़ दिए फुटबॉल मार मार के। सारिश कोई आएगा तो गेट नहीं खोलना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बिस्मिल्लाह। इस मस्जिद का मीनार तो आज देखा मैंने। शाबाश बेटा। अम्मी को लेने थे अपने लिए सूट्स वगैरह कुछ, तो वो देखने अब हम इस शॉप पे आए हैं। सबसे पहले इसका दुपट्टा अच्छा, इसमें और कलर है, ये कितना अच्छा है दुपट्टा भी, कितना सॉफ्ट। शॉपिंग करने आए थे अम्मी के लिए, तो पापा की नज़र पड़ी कि जेंट्स के लिए भी सूट्स हैं, तो वो भी अब अपने लिए देख रहे हैं। तो अम्मी के लिए यहाँ से 3 सूट्स लिए हमने, और ये जो ये वाला कलर है मुझे बहुत प्यारा लगा, और ये तो बिल्कुल डन किया मैंने। तो मुझे पता था मैं बोलूँगी अम्मी तो भी मुझे नहीं लेके देंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सूट्स हैं। तो फिर मैंने एक दुपट्टा चाहिए था मुझे वाइट कलर का, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े थे, तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा लिया। जल्दी दे दे। मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, दुपट्टा फ्री। सो मुझे दे, सो मुझे दे। इतना रश हो रहा है, लगी है उंगली में मुझे। हम आ गए हैं गाड़ी में, अम्मी पक्का बार्गेनिंग कर रही होंगी अंदर। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसलिए गाड़ियों का बहुत ज्यादा रश हो गया था। अब पापा का कपड़ा छोड़ने जा रहे हैं हम। पापा का छोड़ा है, अम्मी का भी बोल रहे हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि न्यू टेलर है, अम्मी को बड़ा डर है कि खराब ना हो जाए। अब हम गाड़ी की रखवाली करते हैं। इस पर मुझे ये टेंशन नहीं है कपड़े लेना, टेलर जल्दी देगा कि नहीं, क्योंकि ईद वाला सूट मेरे पास ऑलरेडी है और वो बना बनाया है। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा।
और अभी अगर छोड़ेंगे भी ना तो ये टेलर ईद तक तो नहीं देने वाले, क्योंकि इनके पास रश बहुत है आजकल। बात तो सही है। मेरे बिना अम्मी को समझ भी नहीं आ रही होगी छोड़ना कौन सा। एक्सपर्ट हूँ मैं, उतनी भी नहीं हूँ, मतलब थोड़ा ठीक है, राय लेते हैं घर वाले अब मेरे से, अब मैं बड़ी होगी। पीछे पीछे, अब मैं आगे बैठूँ। चप्पल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। सारिश ने मंगवाया कुछ खाने के लिए अपने लिए, बोलती 3 दिन का लाना, जो 3 दिन तक खत्म ना हो, मगर खत्म मैं एक ही दिन में कर दूंगी। अब अम्मी को लेने हैं कुछ फुटवेयर। इस दुकान को देख के लग रहा है मैं बासा वाली दुकान पे आ गया। तो सिर्फ शूज है, इसलिए ये बहुत ही सादी दुकान है, सादी। तो अम्मी ने शूज लिए यहाँ से और सारिश के लिए नोज पिन देख रहे थे अब। नए नए रोड बन रहे हैं हमारे यहाँ। ये लो। मैंने बोला था कोई आएगा तो दरवाजा नहीं खोलना। आ गए वापस हम घर। वहाँ मुझे लगने लगा था इंजेक्शन, जहाँ पे मैं चेक करवाने गई थी, मतलब बोलते हैं इंजेक्शन। मैंने थोड़ा, मुझे नहीं आइडिया था कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है कि नहीं। मैंने बोला रोज़ा है मुझे, फिर अम्मी भी बोलती वो रोज़ा तो नहीं टूटता इंजेक्शन से। फिर मैंने बोला कैसे बचूँ, फिर मैंने, उन्होंने टेबलेट दी, मैंने बोला अच्छा ये खा लूँगी मैं, अगर दर्द ठीक ना हुई तो फिर मैं 10 दिन बाद इंजेक्शन लगवा लूँगी। फिर बोलते ठीक है, अब दवाई दी, अब अल्लाह करे हो ही जाऊँ ठीक। बन रहा इफ्तारी के लिए खाना। हमारी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि पापा बोल रहे थे ऑरेंज का टेस्ट अच्छा है, जो पहले आप लोगों ने लाए वो ख़राब थे। तो मैं बोल रही थी वो अम्मी लेके आए थे, और जब मैं कोई चीज़ लाती हूँ अम्मी मुझे बोलते तू ख़राब लेके आई, ना तू धनिया लेके आई सब्ज़ी में, ना मिर्ची लेके आई। तो अम्मी जो खजूर लाई और ऑरेंज लाए तो वो सारे ख़राब थे। तो अब मैं पापा को अम्मी की शिकायतें लगा रही थी।
तो फ्रेंड्स हो गया था हमारा डिनर, नमाज तरावी सब कुछ हो गया सबकी। तो अब 10 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो रहा है सबका। तो अभी मैं रूम में आई थी अपने लिए एग और चाय लेके। मैं तो मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने चाय कब पी थी, 5-6 दिन हो गए होंगे पता नहीं कब। मतलब मुझे कोई वो होते हैं ना चाय लवर कुछ लोग, वैसा कोई सीन नहीं है मेरा, ना सहरी में पीती हूँ ना इफ्तारी। मतलब ना मिले तो ठीक है, मिल जाए तो पी लेती हूँ, वो वैसी वो नहीं है मुझे। नशा होता है ना लोगों को चाय का, कुछ लोग होते हैं चाय लवर्स, वैसा कुछ नहीं है। तो कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल हमें इफ्तार की दावत है एक जगह। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि कैसा लगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे कल एक नए व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।